मेरा नाम है दिवेश और आज हम देखते हैं, देखिए ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ग्लास बॉटल्स जो होती है आपने काफ़ी देखी होगी, बियर बॉटल्स, वाइन बॉटल्स, ये काफ़ी फेमस है। तो देखिए स्टेप वन होता है रॉ मटेरियल प्रिपरेशन का। रॉ मटेरियल में जनरली जो यूज़ होता है वो ग्लास बॉटल में वो होता है सोडा ऐश, लाइम स्टोन और कलर्ड जो रिसाइकल ग्लास होता है वही होता है। देखिए अब ये देखिए रॉ मटेरियल को ना काफ़ी अपने आई से वैसे देखना पड़ता है कि ताकि कुछ इशू ना आ जाए, यानी नेक्स्ट स्टेप से पहले मैन्युफैक्चरिंग से पहले पूरा चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है बैचिंग एंड मिक्सिंग का। इसमें क्या जो जैसे हमें ग्लास जो प्रॉपर डिज़ाइन की चाहिए वो उसके बाद का प्रोसेस होता है। देखिए इन्होंने सारे जो क्वालिटी के लिए सारा देखिए मिक्सचर हो गया है। अब ये मिक्सचर क्या करेगा सेपरेट, ये ही परफेक्ट इनका कंपोजिशन होनी चाहिए। अब देखिए अब इनको मेल्टिंग के लिए जब रॉ मटेरियल फॉर्म हो गया अब इनको मेल्ट करा जा रहा है। देखिए 1600 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेल्ट किया जा रहा है, जो मिक्सचर वहाँ से मिक्स हुआ था प्रॉपर बैच में जो मिक्स किया था। अब देखिए इन्होंने इसको पूरा मेल्ट कर दिया 1600 डिग्री सेल्सियस और ये मेल्टर ये चलता ही रहता है कंटिन्यूस और ये बंद नहीं होता। देखिए इसलिए उन्होंने सारे इंस्पेक्शन लगा रखे हैं। अगर ये 7 डेज़ वर्किंग है तो 7 डेज़ के अकॉर्डिंग ही सेट है, मतलब अब देखिए मशीन्स में इन्होंने सेट कर रखा है फर्नेस का टेम्परेचर और वो सारी चीज़ें, तो ये सारा मेंटेन करके रखते हैं। अब देखिए फोर्थ प्रोसेस क्या है, इनकी फॉर्म यानी ग्लास का शेप करना, ब्लो ग्लास फॉर्मिंग जो एक स्टेप होता है। इसमें क्या करते हैं ये देखिए इन्होंने क्या दो, वैसे जनरली दो टाइप की फॉर्मिंग यूज़ करते हैं। अभी देखिए नैरो ग्लास बॉटल चाहिए जैसे बियर बॉटल हो गया तो उसके लिए ये प्रोसेस है सिंपल। देखिए इसमें क्या किया इन्होंने मोल्ड में जो ग्लोब है उसको ग्लोब कहते हैं जो मोल्टन स्टेट में रहता है और फिर उसको एयर डाल दी तो जो ब्लो कर दिया एयर ब्लो कर दी तो उससे ये शेप आ गया। अब ये देखिए अब इसमें डायग्राम में आप देखिए ईजीली ग्लोब जो है उनके ब्लैंक मोल्ड में डाला फिर देखिए वो फॉर्म हो गया फिर ब्लैंक ब्लोन हो गया फिर इसने शेप ले लिया फिर ट्रांसफ़र टू ब्लो मोल्ड इसने एयर डाली फिर फाइनल शेप आया और फिर फिनिश बॉटल हो गई। तो ये देखिए डायग्राम में क्लियरली समझ आ रहा है कि ये प्रोसेस के देखिए कितने 6-8 प्रोसेस हैं। अब देखिए एक और होता है वाइड के लिए प्रेस एंड ब्लो वाला, जिसमें जैसे ये देखिए बड़े जो वाइड जार होते हैं इसके लिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है उसमें इस पर प्रेस किया जाता है, मीन्स जो शेप चाहिए ना वो ऊपर से। अब देखिए अभी एक डायग्राम के तहत समझते हैं, जैसे ग्रॉब है उसमें ड्रॉप कर दिया इसको ब्लैक मोल्ड में और उससे प्लंजर ने प्रेस कर दिया ऊपर से, ठीक है ब्लैंक प्रेस हो गया अब ब्लैंक का शेप आ गया। अब इन्होंने क्या किया ब्लो मोल्ड में इसको ट्रांसफर कर दिया, फाइनल स्टेज क्या है उसने एयर डाली और देखिए फिनिश जार आ गया। तो ये जो आपने देखिए 7-9 प्रोसेस है टोटल 7 प्रोसेस है। तो ये दो टाइप की फॉर्मिंग होती है ग्लास में जनरली। देखिए अभी कितने इजीली ये निकलते जा रहे हैं, ये देखिए ये प्रोसेस भी बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी काफ़ी। जनरली देखिए आइडिया नहीं हो पाता ग्लास का कितनी इजी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब अगर मशीन्स हो तो इजी है वरना मशीन के विदाउट। तो अब देखिए ये पांचवी प्रोसेस क्या है एनीलिंग की। अब क्या हुआ अब एनीलिंग के लिए क्या हुआ उनको थोड़ी हार्डनेस आ जाए उसमें, है ना वह ब्रिटल ना हो। अब देखिए स्लोली रीहीट किया और फिर स्लोली उसको कूल कर दिया, उससे क्या हुआ उसका जो टेम्परेचर जो है उसके कारण इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई। अब इसका जो 6th स्टेप है वो है क्वालिटी चेक का। क्वालिटी चेक में क्या है, क्वालिटी चेक में देखिए इजीली वो चेक कर रहे हैं कि यार कुछ ग्लास के स्ट्रेंथ तो कम नहीं है या टू ब्रेकेज तो नहीं है, है ना वॉल्यूमेट्रिक चेक है। अब बहुत सारे इनके चेक्स होते हैं जो फाइनल वो क्या फाइनल डिस्पैच से पहले चेक करते हैं। देखिए उन्होंने मैनुअल चेक भी इजी कर रखा है, देखिए मैनुअल चेक के वजह से काफ़ी टाइम टेकिंग है पर देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्लास की चीज़ है। अब देखिए इसका डायमीटर भी चेक कर रहे हैं, बॉटल का डायमीटर भी बहुत ज़रूरी है कि किस डायमीटर की शेप क्या है, है ना। अब ये देखिए ये प्रोसेस ये स्टेप्स हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। देखिए इतने स्टेप्स उनको लेने पड़ते हैं ताकि देखिए वो पूरा यानी गलत ना हो, गलत ग्लास बॉटल्स ना चले जाए। तो इन्होंने देखिए अब ये देखिए 7th है सरफेस ट्रीटमेंट, जो उनकी जो फिनिशिंग है सरफेस की उसमें ना हो जाए ऑन द एक्सटीरियर ऑफ ग्लास ग्लास बॉटल्स। ये देखिए अभी देखिए इसमें डाल के पूरा उन्होंने कर दिया, अब देखिए ट्रीटमेंट कर दिया, अब ये फिनिश्ड हो गया पूरा। अब इसको देखिए डिलीवरी करना है या पूरा प्रोसेस करनी है उसका, देखिए कितना इजी देखिए स्प्रिंग टाइप का इन्होंने पूरा कर रखा है ताकि देखिए ग्लास भी है, ग्लास जैसी चीज़ ज़रा सा भी झटका लगे अपनी भी ब्रेक हो सकती है अगर इतनी हार्डनेस ना हो। देखिए इन्होंने प्रॉपर उसका ट्रैक कर रखा है, अभी देखिए पूरे लोड हो रहा है, देखिए कितना इजीली लोड हो रहा है वो उसमें और इससे क्या होगा अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब अब देखिए डिफरेंट स्टोर्स पे अब रखा भी जाएगा ये, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी ये चीज़ थी इसमें। अभी देखिए पूरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अगर यूट्यूब पर देख रहे सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे फॉलो कीजिए। थैंक यू।